ईसाई समुदाय में खास तौर से मनाने जाने वाला पर्व पाम डे, जिसे कहा जाता है कि प्रभु यीशु जो है स्लेम जा रहे थे और उनके पैरों के नीचे पत्तियां बिछाकर उनका स्वागत किया जा रहा था। वही लोग आज उसी दिन को याद करते हुए गिरजाघर पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं उनकी आराधना शुरू कर देते हैं। वही हम लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे क्या कुछ होता है इस पर्व में। तो इस वक्त हमारे साथ एक महिला जुड़ चुकी है, हम उनसे जानेंगे कि जिस तरह से प्रभु यीशु जा रहे थे उस वक्त उनके कदमों पे जो होते हैं पत्तियाँ, खजूर की पत्तियाँ, जैतून की पत्तियाँ बिछाई गई थी, पर कहीं ना कहीं खजूर की पत्तियाँ तो अभी अवेलेबल है, पर कहीं ना कहीं जो जैतून की पत्तियाँ वो लुप्त बहुत ही नज़र आ रही है, उसके बारे क्या कहेंगे? जैतून के पत्ते लुप्त नहीं हो रहे हैं, जहाँ हम लोग रहते हैं झारखंड में एक्चुअली यहाँ जैतून नहीं मिलता है। यहाँ अगर हम लोग देखा जाए तो हमें यहाँ पर ज़्यादातर खजूर के पत्ते मिलते हैं, जिससे हम लोग यहाँ अभी लेकर के आते हैं, जो मेरे हाथ में अभी नहीं है। बट जैतून लुप्त नहीं हो रहा है, बट यहाँ अवेलेबल नहीं है। पर कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि वो काफ़ी ज़्यादा जो होते हैं महंगे होते हैं, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा खरीद भी नहीं पाते। हाँ, महंगे तो होते हैं, बट खजूर यहाँ अवेलेबल है, वो सस्ता है। अगर जैतून रहता तो ऑब्वियसली बहुत कोई चढ़ाते हैं जैतून, बट जैतून यहाँ है नहीं तो वो कोई लेकर के नहीं आता है। कैसा लग रहा है, कब से आप यहाँ पे मौजूद हैं और किस तरह से आप इस पर्व को देखती हैं? हम अब सुबह से यहाँ मौजूद हैं, जब से चर्च स्टार्ट हुआ है। और ये पर्व एक्चुअली हम लोग के लिए लेंट बहुत होली माना जाता है हम लोग को, तो हम लोग लेंट को बहुत होली वे में देखते हैं। और हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उतना हम लोग परहेज करें, क्योंकि ये उसी के लिए हम लोग मनाते हैं, क्योंकि हम लोग के लिए जीसस बहुत सारा सैक्रिफाइसेस किए थे। तो हम लोग का ये मंथ में 40 डेज का रहता है, तो हम लोग भी इस पर सैक्रिफाइसेस करते हैं। हमारे बीच में अब यीशु तो रहे नहीं, तो आप इन पत्तियों को क्या कुछ करते, किस तरह से उन्हें सजाते हैं घरों में? सजाते नहीं, जो यहाँ आशीष होता है वो हम घर जा कर के रख देते हैं, ताकि वो हमेशा के रहे, एक मेमोरी रहता है, तो हम लोग उसे रख देते हैं। अपना परिचय दे। मैं रिया किस्पोटा हूँ, रांची से। ये चर्च जो है सुबह से शुरू हो चुकी है, लोगों की आराधना जो है यहाँ पे लगातार जारी है। कहीं ना कहीं लोग जो है खजूर की पत्तियाँ लेकर आए हैं चर्च, और क्या लगता है कि अब उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है? क्योंकि जब जीजस थे हमारे साथ तो उनके पैरों के कदमों के नीचे बिछाया जाता था, पर इस बार मतलब इस वक्त किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाता है? एक्चुअली हम लोग जो खजूर की डाली जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअली यरूशलेम में जब हम लोग का जो जीजस थे उसके वेलकमिंग में हम लोग ये उसके आने की खुशी में हम लोग उसके सामने डाली हम लोग बिछाते थे। सिर्फ डाली ही नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जैसे उनके पास जैसे था, जैसे बहुत सारे लोग थे कपड़े बहुत सारे थे डाली, उसकी खुशी में यूज़ किया, ताकि हम लोग उसको अपने घर में अपने जो यरूशलेम की जो नगर थी वहाँ उसको अच्छी तरह से वेलकम किया जा सके। इसलिए हम लोग उस दिन हम लोग डाली का यूज़ किए थे यीशु का स्वागत के लिए। और कहते हैं कि हाँ, मुक्तिदाता जब भी हम लोग के पास हमारे नगर में जब आते हैं उसके हम लोग अपने हृदय में उनका स्वागत करते हैं। उसी खुशी में हम लोग जब यीशु हमारे यरूशलेम में आए तो उनके खुशी में हम लोग सभी कोई छोटे बड़े बूढ़े सभी को उनके स्वागत में हम लोग खजूर की डाली उनके सामने रखे जी। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जो ये जो खजूर की पत्तियां होती है वो चर्च में रखने से कहीं ना कहीं पवित्र हो जाती है, फिर उसके राख जो होते हैं उसे रख करके क्रूस माथे पे लगा के बनाया जाता है, जो कि एक ब्लेसिंग का रूप बनता है, क्या कहें? एक्चुअली ये हम लोग जो बीते बुधवार को हम लोग जब पास्का का जो हम लोग का फर्स्ट स्टेज होता है हम लोग उसी से शुरुआत करते हैं। और हम लोग जो खजूर का राख जो लगाते हैं उसका मूल उद्देश्य रहता है कि तुम मिट्टी से बने हो और मिट्टी में मिल जाओगे। वाकई हम लोग कभी ना कभी हम लोग आने वाले दिन में जब हमारा अंत आएगा तो हम लोग वाकई हम लोग उसी मिट्टी में मिल ही जाएंगे। तो उसी का सिद्धांत है कि तुम मिट्टी से बने हो और मिट्टी में मिल जाओगे। तो हम लोग का जो शुरुआत था पास्का काल का हम लोग पवित्र राखबुद्ध से ही हम लोग शुरू किए हम लोग, और अभी हम लोग का जो ख़त्म होगा वो हम लोग का ईस्टर जो फाइनल ईस्टर है जो हम लोग गुड फ्राइडे बोलते हैं।
हैं उसे हम लोग वहाँ उसको अंत करेंगे। कहीं ना कहीं एक ये गम भरा संदेश भी होता है। जी जी, ईस्टर होता है वो खुशियों का रूप लेके आते हैं क्योंकि प्रभु यीशु जो थे एक बार फिर से जी उठते हैं उस वक्त। ये एक तरह से कहें कि हमारे लिए खुशी भी है और हमारे दुख भोग का समय जो था जो हम लोग लगता है कि हम लोग दुख भोग इसलिए हम मनाते हैं कि हम लोग प्रभु यीशु जो थे हमारे लिए सबके लिए अपना प्राण दिए, समर्पित किए हमारे पूरे कलीसिया के लिए, हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए। तो उसी तरह हम लोग और कहा जाता है कि तीसरे दिन हमारे प्रभु यीशु मृतकों से फिर पुनः जी उठे और हमारे लिए खुशी की बात है कि वो पुनर्जीवित होकर हमारे पूरे कलीसिया के लिए वो एक राजा बन गए। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम पवनदीप खाखा हुआ और मैं यहाँ बिरसा चौक में रहता हूँ। तो जैसा कि हमने लोगों से बात की, उनका कहना है कि दुनिया के लिए प्रभु यीशु जो थे अपना जीवन को त्याग दिए थे और उसके बाद तीसरे दिन फिर से वो कहीं ना कहीं जी उठे थे। हमारे साथ और भी महिलाएं जुड़ी हैं, महिलाओं से बात करेंगे। क्या कुछ कहेंगे दी, किस तरह से आप इस पर्व को देखती हैं? कहीं ना कहीं प्रभु यीशु जो है लोगों को संदेश देते हैं कि दुनिया में किस तरह रहना है और किस उनका जो है संसार आप लोग जिस तरह उन्होंने बसाया है उस तरह से, मतलब प्रभु यीशु हमारे साथ राखबूत के साथ ही, मतलब हम लोग एक चालीसा में हम लोग प्रवेश करते हैं, उसके बाद में हम लोग पवित्र चालीसा में मतलब हम लोग अपने को उपवास, मतलब जैसे भी हम अपने को एक उपवास की तरह, हाँ, उपवास की तरह मनाया जाता है। उसके बाद में आज से हम लोग खजूर इतवार हुआ तो आज हम लोग पवित्र सप्ताह में हम लोग प्रवेश करते हैं आज के बाद से। फिर हमारा संडे को ईस्टर होगा, फिर जी खत्म हो जाएगा। इसके बाद कहीं ना कहीं आपका जो ये प्लम संडे है वो गुजर जाने के बाद, गुजरता नहीं है, उसके बाद जागरण भी शुरू होती है। जागरण में क्या कुछ संदेश दिया जाता है? जागरण में प्रभु के साथ में होते हैं हम लोग, साथ में हम उनका ये उनके साथ में दुख भोग के साथ में हम लोग जीते हैं प्रभु के साथ में। और जागरण जी अपने परिचय, मेरा नाम अनीशा मेन। तो जिस तरह से आपने देखा कि मरिया महागिरजा घर के अंदर जो है काफ़ी संख्या में ईसाई समुदाय के लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और वही कहीं ना कहीं जो है प्रभु जीजस को याद करते हुए ये पर्व को मनाया जाता है। कहा जाता है कि जब वो चलते थे तो उसके कदमों के नीचे में प्लम के पत्ते हो या फिर जैतून के पत्तों को बिछा दिया जाता था, पर अगर जिसके पास वो चीज़ भी ना हो खरीदने के लिए तो अब उनके पास जो भी उनकी इच्छा अनुसार चीज़ें होती थी वहाँ पे बिछा दिया जाता था। और कहीं ना कहीं प्रभु जीजस जो है दुनिया को पूरी तरह जो है मनाने के लिए, अच्छी राह दिखाने के लिए कहीं ना कहीं वो खुद को त्याग देते और फिर से तीसरे दिन जो है वो जी उठे थे। और वही संदेश के साथ जो है इस पर्व को मनाया जाता है और कहीं ना कहीं इसके बाद खुशियों से मनाया जाने वाला पर्व ईस्टर शुरू होता है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे झारखंड न्यूज़ 9 के साथ, मैं रिपोर्टर नेहा।